मैं अपने आप को कोई ग्रेट एक्ट्रेस नहीं समझती गोविंदा के साथ एक सा, मतलब एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं बिकॉज वो बंदा बस अपने शूट पे आता था काम करता था कि भाई हाँ मुझे रोल मिल जाए मिल जाए मिल जाए मैंने कभी नहीं ऐसा किया आई थिंक यू कैन से जैसी करनी वैसी भरनी विमल कुमार जी की फिल्म थी इनिशियली uh, सब विमल कुमार की फिल्म विमल कुमार जी की फिल्में जो हैं बट जैसी करनी वैसी भरनी दैन सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम ऑल्सो वॉज लाइक अ टर्निंग पॉइंट फिर यू के नॉट से एग्जैक्टली विच वन एक के बाद एक जैसे आती गई नो ये सारी पिक्चरें बहुत ही देन देर वॉज नसीब में एक छोटा सा एक गाने में था बट देन आई वॉज नोटिस्ड लाइक यू नो नसीब सनम तेरी कसम सौ दिन सास के ये सारी इनिशियली पिक्चर्स हैं ना दे व ऑल लाइक मेकिंग लाइक इन हर एक फिल्म में

पिक्चर ऐसे ही आ जाती थी अपने आप ही बस फ़ोन आता था लाइक प्रहलाद जी हुए विमल जी, जी हुए विमल कुमार जी हुए एंड अरे गुडी परसों क्या कर रही हो नहीं कुछ नहीं कर रही हूँ आम फ्री दलो आ जाओ अपनी नई पिक्चर शुरू हो गई है बस उस तो ऐसे बस फ़ोन उठा के बात कर लेते थे और बुला लेते बुला लेते थे एंड नो कॉन्ट्रैक्ट और ये सब हाँ कर लेंगे बाद में इतना ट्रस्ट होता था यू नो एंड इतना बस जबान दे दी हो गया सो दैट वॉज द काइंड ऑफ अ सीन एट दैट टाइम तो कभी मैंने किसी रोल के लिए लॉबिंग नहीं की कि भाई हाँ मुझे रोल मिल जाए मिल जाए मिल जाए मैंने कभी नहीं ऐसा किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपने आप द बेस्ट ऑफ मूवीज या जो भी मेरा मैं अपने आप को कोई ग्रेट एक्ट्रेस नहीं समझती बट uh, आज uh, जहाँ भी हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी से और मम्मी एंड डैडी के ब्लेसिंग से हों सो आई फील ओके कुछ तो शायद नाम बनाया ही होगा कुछ ना कुछ तो उसमें मैं कंटेंट हूँ बट मैंने कभी किसी रोल के लिए लॉबिंग नहीं की यू नो कि मैं जाऊँ प्रोड्यूसर से मिलूँ और डायरेक्टर से इसको मस्का लगाऊँ उसको मस्का लगाऊँ कभी नहीं और द बेस्ट ऑफ मूवीज एंड एवरी थिंग इज जस्ट कम सी फिल्में तो चल रही थी वो तो um, uh, like every second movie is at in the 80s and 90s like you know i used to be there maybe for two three scenes yeah one scene or whatever teen char scene but i used to be there apne sajan mein itna acha hamara track tha sajan movie and usme laga ke ha bhai उसमें भी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला but the most जिसको कहते हैं फिल्में तो चली रही थी बट मेरी जो से एक सीरियल uh, आता था सॉरी मेरी लॉरी दैट बिकेम अउस होल्ड नेम लाइक यू नो उससे जो रेकोगनाइजेशन या जिसको कहते हैं ना कि रेकोगनाइजेशन तो आई विल नॉट से बट जो एक फेम और जैसे एवरी हाउस होल्ड न्यू हाँ सॉरी मेरी लॉरी लाइक सॉरी मेरी लॉरी दैट वॉज लाइक रियलीफ यू कैन से बट फिल्में इतनी सारी तब तक कर चुकी थी मैं सो आई रियली काम से कि नहीं ये नहीं ये ऐसा बट सॉरी मेरी लॉरी गेम ये लॉट ऑफ फेम आई कैन से दैट गोविंदा के साथ एक सा, मतलब एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं बिकॉज वो बंदा बस अपने शूट पे आता था काम करता था एंड बट uh, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था बिकॉज यू सच एक्टर परफेक्ट एक्टर जिसको कहते हैं ना तो हम वो वो बहुत मज़ा आता था वो इतना बिजी होता था ना उसको मस्ती मजाक करने के लिए टाइम ही नहीं होता आया आया लेट आया स, जल्दी आया लेट आया वो काम किया बढ़िया अपना और बस हो गया सो आई कैन से आई रियली हैड एनी यू नो बट इट यूज टू बी फन वर्किंग विद हिम बिकॉज वो है तो बढ़िया एक्टर ओ डेविड जी तो जैसे घर के घर के ही बात थी लाइक यू नो एवरी सेकेंड मूवी आफ्टर शोला शबनम आँखें उनके साथ दो तीन पिक्चरें की हैं मैंने तो उनके साथ भी बिकॉज गोविंदा एंड ऑल दिस होल इट इज टू बी लाइक पहलाद जीज मूवीज़ तो इज़ टू लाइक ऐसा होता था कि जैसे फैमिली है सब तो बहुत मज़ा आता था उनके साथ भी काम करने में uh, प्रहलाद जी के साथ तो ऐसा था ना कि बिकॉज जब डैडी भी वॉज अलाइव एंड घर पे आते थे सुबह uh, सुबह के टाइम कभी इन लोग डिस्कशंस होता था एंड आई न्यू पेलाजी ओ के जी इज़ अ प्रोड्यूसर एंड बिग डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर एंड ऑल बट जब उन्होंने फिल्में शु, बनाना शुरू किया एंड uh, शोला और शबनम ने मैंने उनका मतलब पहली फिल्म की तो मतलब ही इज़ लाइक अ स्वीट हार्ट ही इज़ सच नाइस प्रोड्यूसर कि भाई मज़ा आ जाता है कि वेरी नाइस लाइक आई हैड अ वेरी नाइस कम्फर्ट लेवल इन हिज कंपनी उनकी पिक्चरें करने में मुझे बहुत मज़ा आता था तो उनके साथ तो काफ़ी पिक्चरें की तीन तीन चार पिक्चरें की होंगी